कैशो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस दोनों डिवाइस की एंड्रॉइड 10 अपडेट की। दोनों डिवाइस की यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। इस डिवाइस में जो है एंड्रॉइड 10 अपडेट कंफर्म हो गया है। आज हम वीडियो में एंड्रॉइड 10 अपडेट के बारे में बात करेंगे नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस डिवाइस के। एंड इस डिवाइस में एंड्रॉइड 10 अपडेट, जी हाँ, आफ्टर एंड्रॉइड 10 अपडेट आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट मिलेगा, क्या क्या नया फीचर्स आपको मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, एंड बहुत ही कम टाइम में बताएंगे ताकि आपके टाइम की भी बचत हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट करते हो, आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विश्वजी चैनल। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी जो है हमारे चैनल पर गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड आप सभी में से किसी एक को जो है एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो फिर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस दोनों डिवाइस की जो यूजर बेस है इंडिया में काफ़ी बढ़िया यूजर बेस है। एंड बहुत दिन से जो है वेट कर रहे हैं ये दोनों डिवाइस की यूजर्स, वेट कर रहे हैं एंड्रॉयड 10 की। तो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा आप जो है आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। नोकिया जो है कन्फर्म कर दिया है, इसका डेट बता दिया है। एंड मैं आपको बताऊँगा नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 का जो अपडेट आपको मिलने वाला है 2019 के क्वार्टर 4 से लेके, जी हाँ, 2019 के क्वार्टर 4 से लेके 2020 के क्वार्टर 1 के बीच आपको जो है एंड्रॉइड 10 अपडेट किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो है क्वार्टर 4 चल रहा है 2019 के, तो आप अंदाजा लगा लीजिए अभी से जो है क्वार्टर 1 2020 के अंदर जो है आपको किसी भी टाइम अपडेट आपको मिल सकता है। एंड कंटिन्यू सिक्योरिटी पैच अपडेट तो आपको मिल ही रहा है, उसमें जो है आपको एंड्रॉइड 10 अपडेट तो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड नोकिया 6.1 प्लस, नोकिया 6.1 प्लस डिवाइस की यूजर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपको भी क्वार्टर 4 2019 से लेके क्वार्टर 1 2020 तक जो है आपको अपडेट देखने को मिल जाएंगे। अपडेट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया अपडेट है। HMD ग्लोबल की तरफ से जैसे प्रॉमिस किया गया था यूजर्स को जो अपडेट जो आपको कंटिन्यू वो प्रोवाइड करेगा, वैसे जो है अपना प्रॉमिस वो रख रहा है। एंड यूजर्स को जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड दे रहे हैं, बिल्कुल नोकिया के साथ जो यूजर्स जुड़े हैं, मैं खुद जुड़ा हूँ नोकिया के साथ, कभी भी जो है अपडेट के मामले में नोकिया कभी भी कंजूसी नहीं करते हैं। अपडेट काफी तेजी से अपडेट प्रोवाइड करता है एंड अपडेट जो है काफी जल्दी आता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करें, एंड अपने दोस्त का चैनल, अपने भाई का चैनल अभी सब्सक्राइब करो। एंड वीडियो को जो है लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। एंड अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स नोकिया 6.1, 6.1 प्लस की जो है एंड्रॉइड 10 अपडेट के बाद जो फीचर्स आपको मिलने वाला है। आफ्टर एंड्रॉइड 10 अपडेट जो है आपको कुछ खास फीचर्स भी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क मोड की सपोर्ट। जी हाँ, डार्क मोड की सपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। डार्क मोड के ऊपर जो है बहुत पहले से काम चल रहा है, जी हाँ, डार्क मोड के ऊपर जो है बहुत पहले से काम चल रहा है। अभी जो है गूगल ने भी डार्क मोड लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसमें एक कंडीशन रख दिया गया है, ओनली जो है iOS 13 एंड एंड्रॉयड 10 डिवाइस की यूजर्स जो है डार्क मोड की सपोर्ट जो है यूज कर सकता है। तो आफ्टर 10 अपडेट जो है आपको डार्क मोड की सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया लगेगा एंड यूज करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि नए UI के साथ आपको देखने को मिलेंगे। एंड उसके बाद जो है मैं बात करूंगा जेस्चर बेस्ड नेविगेशन बार। जैसे हम पुराने डिवाइस में, पुराने सॉफ्टवेयर में हमें देखने को मिलता था नेविगेशन बार में 3 डॉट हमें मिलता है बैक करने के लिए, होम बटन में आने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, तो वो सब कुछ जो है अभी हट जाएगा आफ्टर 10 अपडेट। उसमें जेस्चर बेस्ड नेविगेशन बार आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एप्पल के फ़ोन में हमें देखने को मिलता है, ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन में भी आपको इस तरह की जेस्चर बेस्ड नेविगेशन बार आपको देखने को मिलेंगे। वाईफाई शेयरिंग में आपको QR कोड का जो है सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड ऐसे बहुत सारे टॉप फीचर्स हैं जो आपको आफ्टर 10 अपडेट पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो है नोकिया 6.1, नोकिया 6.1 प्लस डिवाइस की यूजर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी डिवाइस को जो है मैनुअली अपडेट चेक करते रहिए, किसी भी टाइम जो है आपके डिवाइस में अपडेट आ सकता है। अभी से जो उसका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बीटा प्रोग्राम भी जो है खत्म होने वाला है बहुत जल्दी,
तो अपडेट जो है किसी भी टाइम अपने डिवाइस में आ सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड फ्रेंड्स हम जो एक नए यूट्यूबर हैं, आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, हमको सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी की सपोर्ट की, आप सभी की मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड मेरे अंदर कुछ गलतियां हैं जो मेरे को सुधारना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड फ्रेंड्स चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।